दोस्तों आपने बहुत सारी लोन ऐप से लोन लिया है, ठीक है, आप अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि उसमें से कुछ लोन ऐप ऐसी थी जो कि रजिस्टर्ड थी। अब आप उनका पे तो करना चाहते लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपने कौन सी लोन ऐप से लोन लिया था। आप चाहे आपने गलती से लिया है या आपने मजे मजे में ले लिया, तो ये आपने गलती की है यहाँ पे। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 10 लोन ऐप से लोन लिया, उसमें से 2 या 3 लोन ऐप ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो कि आपके सिविल को ख़राब कर सकती हैं, उससे ये होगा कि आगे चल के आपको कहीं भी लोन नहीं मिलेगा जो आपके सिविल को धड़ाम से गिरा देंगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत से सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जिनमें से एक बात निकल के ये आए कि इन्होंने काफ़ी लोन ऐप से लोन ले लिया, उनको ये पता था कि ये फेक लोन ऐप है, उस फेक लोन ऐप के चक्कर में उन्होंने कुछ ऐप ऐसी थी जो कि जेन्युइन थी उनसे भी लोन ले लिया। अब वो उनके सिविल को हिट कर रही हैं, सिविल का स्कोर ख़राब कर रही हैं, तो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब उनको किसी भी जेन्युइन लोन ऐप से लोन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सिविल हो गया है डाउन। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे पता करें कि जिस लोन ऐप से हमने लोन लिया था वो कौन सी है, और उसको हम पता करें तो कैसे करें, और उसका हम लोन कैसे पे करें, आखिर हमको करना क्या होगा। तो ये पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वीडियो शुरू करूँ उससे पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप घर बैठे कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप ये पार्ट देंगे, अदरवाइज आप ये जो है वीडियो को, इतना जो पार्ट है ये क्लिप का, इसको स्किप कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं तो वो उसको सुन लीजिए। आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको आप स्टॉक्स ग्रो ऐप और ICICI डायरेक्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म आएगा खुल के, वहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का अकाउंट नंबर तैयार रखना है, वहाँ पे ये तैयार रखना है, ये सब चीज़ें लगानी है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। एक अकाउंट खुलवाने पर आपको 750 रुपये मिलते हैं ICICI डायरेक्ट में, ग्रो ऐप में 100 रुपये और अप स्टॉक्स में 1200 रुपये मिलते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल से वीडियो भी इनकी बना दी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा लंबा नहीं बता पाऊँगा लंबा करके, क्योंकि बहुत लंबा इसमें थोड़ा सा प्रोसेस है, मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा रखा है, मैंने वीडियो के लिंक भी दे रखे हैं, अकाउंट ओपन करने की भी लिंक दे रखे हैं, आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए, मुझे भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। फिर जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो आप अपना लिंक शेयर कर सकते हैं, ICICI में भी खोल सकते हैं, ग्रो ऐप पर भी खोल सकते हैं, आप स्टॉक्स में भी खोल सकते हैं, अच्छा खासा आप ऐसे पैसा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करता हूँ यहाँ पे मेन मुद्दे की। देखिए मेन मुद्दे की बात ये है कि हाल ही में कुछ लोगों की मेरे पास बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि सर हम बहुत परेशान हैं क्या करें, उनका सिविल स्कोर डाउन हो रहा है, उन्हें नहीं पता कि हमने जो है कौन कौन सी लोन ऐप से लोन लिया है। हुआ ये था कि आज से कुछ साल पहले कुछ लोगों ने क्या किया, 40-50 भले कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने 100-100 लोन ऐप से लोन ले लिया। अब उनमें से कुछ ऐप ऐसी थी जो कि रजिस्टर्ड थी, इन्हें नहीं पता, इन्होंने लोन ऐप से लोन लिया और फिर उसको डिलीट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, उन्होंने कहीं नोट डाउन भी नहीं करा, कहीं उसका बैकअप नहीं रखा कि हमने किस लोन ऐप से लोन लिया, उन्हें लगा कि यार ये तो फेक है, लोन ले लो और ख़त्म करो क्योंकि लोन हमें पे ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो उन्होंने लोन लिया था, चाहे उन्होंने 10 लोन से लिया, 20 से लिया, 100 से लिया, जितना भी लोन का जो भी है अमाउंट है वो उन्होंने लिया, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब उनमें से कुछ ऐप ऐसी थी जो कि रजिस्टर्ड थी, अब वो उनके सिविल को हिट कर रही हैं, उनका सिविल स्कोर 500 से नीचे तक चला गया है, उन्हें कहीं से लोन नहीं मिल रहा है। अब उनकी समस्या ये है कि वो उसको पे करना चाहते हैं, वो कैसे पता करें कि वो लोन ऐप कौन सी होती है। अब वो लोन को पे तो करना चाहते हैं लेकिन उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमने कौन सी लोन ऐप से लोन लिया था, हम उनको पे करें तो करें कैसे, हमें यही नहीं पता कि वो लोन ऐप कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि जब भी आप किसी लोन ऐप से लोन लेंगे जो कि जेन्युइन होगी तो कभी भी लोन ऐप का नाम नहीं लिख के आएगा, वहाँ पे उसकी NBFC का हमेशा नाम लिख के आएगा, ज़्यादातर सिविल में यही देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी भी ऐप से लोन लिया है जो कि जेन्युइन है, वहाँ पे उसकी NBFC का नाम लिख के आएगा, जो भी NBFC उसको लोन प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो आपको अपने सिविल को चेक करना है, सबसे पहले ये देखना है आपके जो लोन है कौन कौन सा एक्टिव दिखा रहा है, उस पर NBFC का नाम जरूर लिख के आ रहा होगा, या बैंक होगा या NBFC होगा, उसका नाम लिख के आ रहा होगा, आप उसका नाम नोट कर लीजिए। नाम नोट करने के बाद आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करना है, और मोस्टली मिल ही जाती हैं उनकी जो वेबसाइट होती है, मोस्टली मिल ही जाती है जो कि जनरल लोन ऐप होती है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे उनका कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर कोई ना कोई आपको मिलेगा, मेल आईडी कुछ ना कुछ मिलेगा, वहाँ पे अपनी पूरी बात को रखना है कि ऐसे ऐसे मैंने लोन लिया था, मुझे नहीं पता मेरे सिविल में आपका लोन शो कर रहा है, तो कृपया करके मुझे बताएं कि मेरा लोन नंबर क्या है, कौन सी ऐप है, अपनी डिटेल्स को वहाँ भेजें, ठीक है।
यहाँ पे अगर आपको रिप्लाई मिलता है, वैसे मोस्टली रिप्लाई मिल जाएगा, अगर यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिलता, क्योंकि कई दफ़ा ये दिखा गया है कि NBFC वाले रिप्लाई नहीं देते हैं, ना कि उनका कस्टमर केयर नंबर लगता है, जिससे आपको पता चल सके कि हमारा जो ये लोन है कौन सी ऐप का है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये तो करना ही करना है, उसके अलावा आपको अगर ये आपने अगर किया जो मैंने बताया, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मेल करो उनके एड्रेस पे, चाहे आप लेटर भेजो, किसी भी तरह से जितने भी उनके संपर्क सूत्र हैं सब पे ट्राई करो। वहाँ से जब आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, एकदम शांत बैठ जाना है, शांत होकर बैठ जाना है, क्योंकि वहाँ से फिर क्या है, अगर आप उनका लोन पे नहीं करोगे तो आपके पास लीगल नोटिस ज़रूर आएगा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे, एड्रेस पे, कहीं ना कहीं आपके पास लीगल नोटिस आएगा। तो उस लीगल नोटिस का आपका वेट करना है, लीगल नोटिस वेट करने पर आपको उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि वहाँ पे आपका सारा लोन का डिटेल्स लिखा होगा, लोन नंबर, आपका नाम, कितना लोन लिया है, क्या है क्या नहीं है। लीगल नोटिस में दिया होगा कि आपने लोन इस समय से पे, इस समय तक पे नहीं किया तो हम ये कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे, वो चीज़ अलग हो गई, कार्रवाई होती नहीं है, वो तो एक लीगल नोटिस होता है। वहाँ पे आपको कम से कम ये तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ मैंने इस ऐप से लोन लिया है, वहाँ पे सब लिखा होगा। तो ये एक बेस्ट तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि मैंने इस लोन ऐप से लोन लिया था जो कि मेरे सिविल में दिखा रहा है, अब मुझे इसका लोन पे करना है। वहाँ पे थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट लग के आएगा, लेकिन आपको ये तो मालूम पड़ जाएगा ना जैसे कि हाँ हमने किस लोन ऐप से लोन लिया है। तो ये तरीके से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायतें आ रही थी कि सर हम NBFC को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हमारे जो सिविल में शो कर रहा है, लेकिन वो संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमने मेल भी किया उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, हमने फ़ोन नंबर पर कॉल की नहीं लग रहा है, बिजी आ रहा है, कुल मिला के किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप शांत बैठ जाओ, लीगल नोटिस आने का वेट करो, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपके पास उस लीगल जो नोटिस होगा उसमें लिखी मिल जाएंगी, आपको लोन ऐप का नाम मालूम पड़ जाएगा, आप आराम से उसको पे कर सकते हो, उसको डाउनलोड करो, अपनी डिटेल्स को डालो, उसको पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ मैंने अपने एक सब्सक्राइबर को बताई थी, तो उसमें उनको कामयाबी मिली, उन्होंने पे भी कर दिया और उनको करीब 15 दिन हो गए हैं, उनका सिविल भी ठीक हो गया है, अब वो लोन किसी से भी ले सकते हैं, किसी भी लोन ऐप से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका, एक ट्रिक जिससे आप पता कर सकते हैं कि मैंने किस लोन ऐप से लोन लिया है, अगर आप भूल गए हैं और आपके सिविल में NBFC से हो रही है और आपको लोन ऐप का नाम नहीं पता है। इस तरह से आप अपना पता करके, लोन को पे करके, अपने जो क्रेडिट स्कोर है, जो सिविल स्कोर है, उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो में जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लोन लेके भूल चुके हैं, वो लोन ऐप कौन सी है, तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी से पूरी हेल्प करूँगा। बाकी तो मैंने वीडियो में बता ही दिया है, अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप कंप्लेंट कराना चाहते हैं डॉक्यूमेंट मिसयूज़ को लेके, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करें, अपना प्रॉब्लम बताएं, मैं आपकी इस पर कंप्लेंट करूँगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा और छोटी सी फीस पे करनी होगी, आपको कंप्लेंट 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, जाने से पहले जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।